Assalamu alaikum everyone, this is Huma Ilyas. Our conversation with Huma Ilyas episode 4 के साथ हम अपने नए मेहमान को वेलकम करते हैं जिनका ताल्लुक फाइबर से है. 4 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और इनकी जो एक्सपर्टीज हैं वो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इस सब में है. और नाम आप लोग सब वाकिफ होंगे क्योंकि मैं अपने मेहमान को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन भी करवा चुकी हूँ. मोहम्मद वकास जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनको खुश आमदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं अच्छा, हूँ, और ठीक है। आप कैसे हैं? दैट्स रियली नाइस, आई एम प्रीटी वेल. एक्चुअली आप अपनी एक एजेंसी भी रन कर रहे हैं वीकू ग्राफिक्स के नाम से, राइट? जी जी बिल्कुल, एक माइक्रो एजेंसी है जो हम बेसिकली रिमोटली ही चला रहे हैं। तकरीबन 5 to 6 पीपल है मेरी टीम के अंदर, तो सब तकरीबन घर से ही काम करते हैं। तो हम जो है ना रिमोटली ही जो है ना एजेंसी चला रहे हैं। जबरदस्त. अच्छा वकास, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही सबका फेवरेट टॉपिक है क्योंकि बहुत से लोग सॉफ्ट स्किल्स सीख चुके हुए हैं और उनको प्लेटफॉर्म्स पे काम भी कर रहे हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग ऐसे होंगे न्यूबीज जिनको ये प्लेटफॉर्म्स आज पता चलेंगे. तो हम इस टॉपिक को बहुत इजी वे में लेके चलेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर हो सके, और जो पहले से इसमें काम कर रहे हैं अगर उनके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि ड्यूरिंग द सेशन हम उसको भी कैटर कर सकें. तो स्टार्ट बिल्कुल करते बिल्कुल। हैं फाइबर से. क्या है फाइबर बेसिकली? बेसिकली फाइवर ज्यादातर लोग तो इसको जानते हैं जो ना, बिल्कुल ये एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट और इसके अलावा कुछ क्रेजी किस्म की जो है ना वो सर्विसेज हैं वो भी लोग देते हैं जो है ना। तो ये है कि यहाँ पे बायर्स आते हैं और जो सेलर्स हैं वो अपनी जो है ना सर्विसेज गिग्स की फॉर्म में उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं। और ये अपवर्क से थोड़ा सा डिफरेंट है जहाँ पे अपवर्क पे आपको जो है ना प्रपोजल्स वगैरह सेंड करने पड़ते हैं, बिडिंग करनी पड़ती है। फाइवर पे थोड़ा सा ऑपोजिट होता है कि आपको यहाँ पे अपनी गिग्स डिस्प्ले करनी पड़ती है। तो ऑर्गेनिकली जो बायर्स होते हैं वो कीवर्ड वगैरह लिख के जो है ना सर्च बॉक्स में तो आपकी जो गिग के ऊपर लैंड करते हैं, आपके प्रोफाइल पे लैंड करते हैं, फिर वो आपके साथ जो है ना बात करते हैं, अपना प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है ना वो आपका प्रोजेक्ट प्लेस होता है और आप काम करके देते हैं और आपको पेमेंट मिल जाती है। मिल जाती है. फाइबर कंपैरेटिवली अदर प्लेटफॉर्म्स जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसकी निस्बत बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और यूजर फ्रेंडली है क्योंकि अदर में हमें पूरा टाइम देना पड़ता है प्रपोजल्स लिखना, जॉब्स जैसे आती हैं उसके ऊपर सब अप्लाई करे होते हैं, आपको पता नहीं इंटरव्यू कॉल आए ना आए. इसमें ये होता है कि जब आपने रैंक कर लिया अपने आप को तो ऑर्डर्स आपको आते ही हैं, कन्फर्मेशन होती है इस चीज की कि ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे अगर आप टॉप स्पॉट्स के ऊपर रैंक है. तो मुझे बताइएगा वकास के जो न्यू कमर्स हैं वो कैसे फाइबर पे स्टार्ट ले सकते हैं, और अगर वो स्टार्ट लेते हैं तो क्या डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती जो कि आपके पास उसकी मुकम्मल तौर पे स्किल ना हो. तो फाइबर के ऊपर सर्विसेज देना भी एक स्किल है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, फाइवर पे ना जो लोग मतलब न्यू कमर्स हैं और अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि आपको अपनी एक स्किल आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। आपको ये देखना है कि आपने कौन सी सर्विस देनी है, मतलब आपने ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज देनी है, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सर्विसेज देनी है, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई और सर्विस है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गए। तो सबसे पहले आपने उस स्किल को कोशिश करना है कि 5 to 6 month जो है ना उसको आप सीखें, मास्टर करें और लोकल मार्केट में चाहे फेसबुक हो गया या आपके जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं उसमें जो है ना उस सर्विस को आप जो है ना दें लोगों को और अपने स्किल को थोड़ा सा पॉलिश कर लें। फिर आपने क्या काम करना है, फिर आपने फाइबर पे जाना है और अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। आपने डिफरेंट जो कीवर्ड्स होते हैं सर्विसेज से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में बताऊँ तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन उसके अंदर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाती है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के अंदर भी अगर आप देखें तो फेसबुक कंटेंट क्रिएशन है, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन है, फिर उसके अंदर भी आप अगर देखें तो डिफरेंट निशेज हैं। अगर मतलब आप फेसबुक के पेज बना रहे हैं तो डिफरेंट बिजनेसेस होंगे, मतलब रियल एस्टेट से रिलेटेड हो गया, फूड से रिलेटेड हो गया, मतलब मेडिकल से रिलेटेड हो गया, तो डिफरेंट आगे सब कैटेगरीज है। तो आपने वो सब कैटेगरीज जो है ना, क्योंकि देखें अभी अगर आप जो है ना जाके ग्राफिक डिजाइनिंग पे या लोगो डिजाइन पे मतलब एक जो बिग जो है मतलब जो कीवर्ड है उस पर अगर आप अपनी जाके सर्विस देना स्टार्ट करेंगे या गिग बनाएंगे तो बहुत कम चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हों या आपका अकाउंट रैंक करे या आपको जो ऑर्डर आना शुरू हो। तो आज का जो फॉर्मूला है 2023 में फाइवर के ऊपर कामयाब होने का वो ये है कि आपने सब कैटेगरीज के अंदर जाके जो है ना वो आपने सर्विस देनी है या अपनी गिग क्रिएट करनी है, तो उसमें आपके फिर चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। अच्छा वकास, यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि देखें जब हम स्किल सीख रहे होते हैं
तो हम बेसिकली मैसिव ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, जहां हम चाहते हैं इन डिमांड कोई ऐसे स्किल हो जहां पे हमें ऑर्डर इजीली आ सके। इसकी वजह से ग्राफिक डिजाइनिंग की जो आप कह लें फील्ड है, इसके अंदर सेचुरेशन बहुत ज्यादा हो चुकी हुई है। बेशक आपने बताया कि ब्रॉड कीवर्ड को टारगेट ना करें, उसको नैरो डाउन करते हुए सब कैटेगरीज को टारगेट करें, लेकिन एट द एंड डू यू थिंक दैट कि ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इसके अंदर स्टिल स्पेस है एंटर होने के लिए न्यूबीज के लिए? हाँ देखें, स्किल्स की जहाँ तक बात है तो स्किल्स में ये डिबेट हो सकती है कि कौन सी स्किल आपको मतलब जो है ना वो ज़्यादा अर्निंग दे सकती है, कम अर्निंग दे सकती है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि कोई भी स्किल जो है ना वो आपको अर्निंग नहीं देगी। अब से ग्राफिक डिजाइनिंग है उसके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, नो डाउट सेचुरेशन आपको हर फील्ड के अंदर जो है ना वो हर स्किल के अंदर जरूर मिलेगी, लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने उसको सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड करना है, क्योंकि देखें ऑलरेडी सेचुरेशन तो हर प्लेटफॉर्म पे, अगर आप अपवर्क पे जा रहे हैं या फेसबुक पे हैं या लिंक्डइन के ऊपर हैं या आप फाइवर के ऊपर हैं, तो हर जगह ऑलरेडी लोग बैठे हुए, तो उन्होंने जो है ना मेन कीवर्ड्स के ऊपर ना अपनी गिग्स बनाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि अभी हर न्यू मंथ, हर न्यू ईयर, न्यू जो है ना कीवर्ड्स जो है ना वो इवॉल्व हो रहे हैं या न्यू कीवर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं, तो जिनका हमें नहीं पता, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग जिन लोगों से सीखते हैं या जिन लोगों को देख रहे हैं, तो वही पुराने कीवर्ड्स हैं। आप शायद हैरान होंगी कि कई ऐसे कीवर्ड्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कि जो अभी मतलब एक्सप्लोर्ड है या अनडिस्कवर्ड है। इसी तरह वेब डेवलपमेंट की बात कर लें, आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर लें, इसी तरह आप और जितनी भी फील्ड्स हैं उसके अंदर काफी ऐसे कीवर्ड्स हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जो मतलब लोग वहां पे सर्च कर रहे हैं लेकिन उनको उसके अंदर सर्विसेज कम मिल रही हैं, तो वो वहां पे आपका चांस होता है कि आप वहां पे अर्निंग मतलब ज्यादा कर सकते हैं। मतलब अगर वहां पे ऑडियंस ज्यादा है और सेलर्स कम है तो जाहिर सी बात है आपके ऑर्डर गेन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यूट्यूब पे भी ऐसे होता है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल वीडियो फॉर एग्जाम्पल बना रहे हैं तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि लोग सर्च कर रहे होते हैं लेकिन उस पर लोगों ने कंटेंट बहुत कम बनाया होता है या वीडियोज कम बनाई होती है, तो उस पर आपके चांसेस होते हैं कि आपको व्यूज ज्यादा है। तो ये मतलब एसईओ से रिलेटेड थोड़ी सी जो ना इसमें थ्योरी आ जाती है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में नो डाउट मतलब जो ना आपके पास काफी ज्यादा चांसेस हैं, स्कोप है कि कंपटीशन आप बहुत इसके अंदर भी, लेकिन ये रिलेटिवली ईजी है। तो वकास, यहाँ पे कोई ऐसी, या तो हम वो जो कीवर्ड्स होंगे या डिमांड और सप्लाई का जो एनालिसिस करेंगे वो हम मैन्युअली करेंगे, या कोई ऐसा आपके पास सॉफ्टवेयर भी होता है जिसके थ्रू आपको पता लग जाता है कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, जैसे आम हमारी जैसे अमेजोन की फील्ड के अंदर हमें Helium 10 से सर्च वॉल्यूम्स पता लग जाते हैं, तो फाइवर के सर्च वॉल्यूम्स हम मैनुअली देखते हैं, टाइप कर करके कीवर्ड्स अपनी क्रिएट करते हैं माइंड से एंड देन उसको सर्च करते हैं और साइट पे उसका सर्च वॉल्यूम आ रहा होता है? सिर्फ वही तरीका है या इसके अलावा भी कोई तरीका है हाई डिमांड कीवर्ड्स निकालने का विद लो अच्छा, कंपटीशन? इसमें जो सबसे पहली पहली जो चीज होती है वो यही है कि मैन्युअली मैन्युअली में ये होता है कि आप अपना एक्सपीरियंस यूटिलाइज करते हैं, कि आपको अपनी फील्ड के बारे में पता होता है कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में तो मतलब कि कौन कौन सी सर्विसेज आ सकती है, जैसे फ्लायर डिजाइन हो गया, पोस्टर डिजाइन हो गया, या फिर सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन हो गया, या फिर इस तरह प्रिंट मीडिया से रिलेटेड है, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, ब्रांडिंग, मतलब आपको खुद भी कीवर्ड्स पता होते हैं। तो पहला तो मतलब सजेस्टेड यही होता है कि आप उन्हीं कीवर्ड्स को जो है ना वो सर्च बॉक्स में जाके लिखें, और उनको जब आप सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो नीचे आपको खुद ही गिग्स आ जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर 1,000 गिग है, 2,000 गिग है या 3,000 गिग्स हैं, मतलब कितने जो ना सेलर्स ने ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट मतलब बनाए हुए हैं या सर्विसेज बनाई हुई हैं। इसमें एक चीज मैंने और देखने वाली होती है कि आपने जो ऑनलाइन सेलर वाला जो फिल्टर है वो अप्लाई करना होता है, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि वो गिग्स तो बना देते हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब सालों अकाउंट खोला नहीं होता या वो एक्टिव नहीं होते, तो वहां पे भी कुछ लोग धोखा खा जाते हैं कि सामने उनको नंबर तो नजर आ रहा होता है 5,000, लेकिन जब वो ऑनलाइन सेलर वाला जो फिल्टर अप्लाई करते हैं तो शायद उसके अंदर 2,000 रह जाए या 2,500, तो वहां से आपको इजीली एक चीज पता चल जाती है कि इस गिग के अंदर कंपटीशन कम है। सेकेंडली जो अगर टूल्स की बात की जाए तो एक एक्सटेंशन है जिसको मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता कि जिस ब्राउजर के ऊपर आपने अपना अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, क्योंकि फाइवर डिटेक्ट कर लेता है और वो मतलब आपको वार्निंग दे सकता है या अकाउंट बैन कर सकता है, तो ये अगर आपने रिसर्च करनी है, एक एक्सटेंशन है फिबोनैटिक्स के नाम से, क्रोम एक्सटेंशन है, तो उसको आप कर सकते हैं। उससे सिर्फ ये होता है कि जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो जो आपके सामने पेज जो है ना वो खुलता है, फर्स्ट पेज होता है, उसके अंदर लोगों ने जितने भी कीवर्ड्स अपने गिग्स के अंदर यूज किए होते हैं वो सारे ऊपर अपियर हो जाते हैं, तो उससे आपको ये पता चलता है कि मतलब कौन कौन से जो कीवर्ड्स हैं इस हमारे कीवर्ड से रिलेटेड हैं या लोगों ने यूज किए हुए हैं, और इसमें वो ये भी बता देता है कि ये वाला कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हुआ है। और इसमें एक थर्ड चीज है कि जिस तरह आप लोग जो है ना आम गूगल पे यूज करते हैं, एरिफ हो गया, सेमरश हो गया, या फिर इस तरह के और जितने भी जो एसईओ से रिलेटेड टूल्स हैं, उनको भी आप यूज करके वहां से भी आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। मतलब कीवर्ड आप कहीं से भी निकाल आइडिया सकते हैं लेकिन आइडिया ले सकते हैं। एग्जैक्टली
आपको आइडिया मिल जाता है ना कि ये कीवर्ड्स हैं जहां आपने पे। आइडिया लेने, आपको कीवर्ड मिल गया, उस पर आपको फिर रिसर्च करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा हुआ है कि मैं एक कीवर्ड से स्टार्ट हुआ और मुझे मतलब लकीली जो है ना 3 4 5 ऐसे कीवर्ड्स मिले जिसमें मेरा भी मतलब हर रोज ऐसा होता है कि मैं बैठता हूँ 5 10 20 मिनट रोज में फाइवर को देता हूँ, तो मैं रोज न्यू जो है ना कीवर्ड्स जो है ना अपनी फील्ड से रिलेटेड जो निकाल रहा होता हूँ। तो मैं हैरान होता हूँ कि 4 साल हो गए मुझे इस कीवर्ड का नहीं पता था कि ये इस तरह की भी सर्विस ग्राफिक डिजाइनिंग में दी जाती है और लोग ये चीज भी फाइवर पे सर्च कर रहे हैं। सही, यानी अपनी फील्ड का आपको 100% नॉलेज होना चाहिए और उसके बाद आपकी कीवर्ड रिसर्च बहुत ज्यादा उसके ऊपर हाँ, ब्रेफ इसमें होनी मैं एक छोटी सी चाहिए, चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, उसके छोटी सी चीज इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। आप देखें जैसा लोग लोगो डिजाइन में जाके सर्विस देते हैं, लेकिन उसमें इतनी ज्यादा सेचुरेशन है, लोग ये समझते हैं कि यार यहाँ पे दुनिया खत्म हो गई है और अब जो है ना लोगो डिजाइन में हम सर्विस दे ही नहीं सकते। मैंने लोगो डिजाइन के अंदर ही कुछ ऐसी जो है ना मतलब सब कैटेगरीज एक्सप्लोर की, जिसका फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे दुनिया में कई जगह पे ट्रक से रिलेटेड बिजनेस होता है, मतलब जो है ना वो कार्गो से रिलेटेड। तो मैंने देखा ट्रक लोगो वैसे लिखा, तो मैंने देखा कि उसमें जो है ना काफी जो सेलर्स थे उनके ऑर्डर्स भी अच्छे थे और सेलर्स कम थे, मतलब वो लो कंपटीशन कीवर्ड था। देखिए आप अगर फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन में जाके बना रहे हैं तो वहां पे तो आपको ऑर्डर ही नहीं आ रहा, लेकिन आपने जब सब कैटेगरी में बनाया तो आपके चांसेस आ गए। इसी तरह ब्यूटी लोगो अगर आप लिखते हैं, फूड लोगो लिखते हैं, या अगर आप इसी तरह क्लोथिंग लोगो लिखते हैं, अरेबिक लोगो लिखते हैं आप अगर, और इसी तरह मतलब काफी ज्यादा जो है ना सब ऐसे कीवर्ड्स हैं जहाँ पे एक आम नॉर्मल बंदा इवन एक्सपीरियंस बनूं का भी ध्यान नहीं जाता, मेरा अपना ध्यान नहीं जाता, मतलब जो ना ये जब तक मैं रिसर्च ना करूं मुझे नहीं पता चलता कि अच्छा इस तरह के भी कीवर्ड्स क्रिएट हुए हुए हैं फाइवर पे और लोग इसको सर्च कर रहे हैं और लोग सर्विस भी दे रहे हैं इसको। बिल्कुल। वकास अनम बशीर कह रही है कि एक्सटेंशन का नाम दोबारा बता दें प्लीज। फिबलेटिक्स FIVLYTICS। ठीक है अनम, होपफुली अब आपको क्लियर हो चुका होगा, नहीं तो आप इसको रिपीट में देख लीजिएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि स्किल हमने सीख ली, फाइवर पे हमारा अकाउंट बन गया, गिग हमने बना ली, कीवर्ड रिसर्च कर लिया, तो क्या हम मोबाइल से बैठ के भी फाइवर पे काम कर सकते हैं या हमें इस पर्टिकुलरली एक अदद कंप्यूटर की जरूरत होती है इसमें? अच्छा, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा ये भी आपको बता दूं कि आजकल फाइवर ने अपवर्क की तरह ये काम शुरू कर दिया कि वो आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं कर रहा, तो ये चीज भी हमने जो ना थोड़ी डिस्कस करनी है कि अगर आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपने कौन सा प्रोसेस। ठीक है, ये आगे चल जी के कर लेंगे। तो मैंने बात करनी है आपसे कि न्यू अकाउंट्स बन नहीं रहे और पुराने अकाउंट्स उड़ रहे हैं, इस पे तो हमने पर्टिकुलरली बात करनी है। इससे पहले आप मुझे बता दें कि क्या हमारे पास मोबाइल का होना जरूरी है या मोबाइल से हम सिर्फ काम कर सकते हैं या लैपटॉप का होना जरूरी है, किस तरह से हम अपना काम कर सकते हैं, अच्छा, सर्विस कैसे जिस तरह प्रोवाइड कर कुछ सकते लोग हैं? होते हैं कि वो बिगनर्स होते हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, लेकिन मोबाइल फोन तकरीबन आजकल हर किसी के पास है, तो मोबाइल बिल्कुल फोन से काफी सर्विसेज ऐसी हैं कि जो हम दे सकते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको कुछ आइडिया दूं, मेरी अपनी जो फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग, उसमें आप ज्यादातर काम ऐसा है कि जो आप मोबाइल से अपने कर सकते हैं। इस तरह वीडियो एडिटिंग की भी बात की जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिससे लोग अपने मोबाइल पे जो है ना वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, मतलब शूट भी कर रहे हैं और साथ उसमें एडिटिंग भी कर रहे हैं। इसमें फिर थर्ड आता है कि आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट, कि आप एक छोटा सा माइक ले लें, अच्छा सा माइक ले लें, तो उससे आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट की भी जो है ना वो सर्विसेज दे सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज है कि पिक्चर्स वगैरह जो ना बनाना, स्टॉक इमेजेस जो होती हैं उससे रिलेटेड भी सर्विस आप दे सकते हैं। इवन वेब डेवलपमेंट की मैंने लोगों को देखा है कि वो भी, क्योंकि उसमें आपको पता है आपको नोट पैड या आपको एडिटर की जरूरत पड़ती है, तो बेसिक लेवल की वेब डेवलपमेंट से भी रिलेटेड कुछ लोग सर्विसेज दे रहे हैं। इसी टॉपिक पे मैंने ना तकरीबन कोई 10 से 15 स्किल्स की जो ना एक डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई है विकू ग्राफिक्स पे, तो अगर आप लोगों को मतलब टाइम मिले तो उसको देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट वर्किंग ऑन फाइवर विद योर मोबाइल। मोबाइल के अंदर आप अकाउंट भी बना सकते हैं, आप ऑर्डर्स डिलीवर भी कर सकते हैं, आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, 24/7 ऑनलाइन भी रह सकते हैं। इवन लैपटॉप से ज्यादा कन्वीनियंट है मोबाइल, कि मोबाइल के ऊपर आप जो ना मतलब सर अगर कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिसके लिए आपको मतलब ज्यादा हाई लेवल के जो स्पेक्स चाहिए, मतलब वीडियो एडिटिंग में भी होता है कि कुछ ऐसी आपको वीडियोस मतलब एडिट करनी पड़ती हैं जो थोड़ी जो ना जिनके लिए स्पेक्स ज्यादा चाहिए होते हैं, एनिमेशन से रिलेटेड होगी, तो वो आप नहीं दे सकेंगे। लेकिन देखिए स्टार्ट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, मतलब आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और और इसका कंटेंट सबसे ज्यादा राइटिंग फायदा बेसिकली मैं जो सबसे बड़ी चीज मिस कर गया, जो कंटेंट राइटिंग है, एसईओ की है, ये दो भी चीजें ऐसी हैं, इवन सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, तो वो मैंने उस वीडियो के अंदर काफी चीजें सोच के तकरीबन 10 से 15 मैंने स्किल्स जो है वो आइडेंटिफाई की थी वहां पे। सही, तो इसका फायदा ये होगा कि आप जो हैं वो हर वक्त ऑनलाइन भी रह सकते हैं और क्लाइंट के साथ बर वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये भी फायदा हो जाता है मोबाइल से
यूज करने का आपको फाइबर का। बिल्कुल अच्छा मुझे ये बताइएगा कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा था कि जी फाइबर और कैनवा से आप $1,000 तक कमा सकते हैं, सर रेहान अल्लावाला ने ये कहा था, तो इज दैट अचीवेबल और नॉट, ये एक बड़ी डिबेट चल रही थी। तो क्या $1,000 तक आप कैनवा या फाइबर से बना सकते हैं? अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया अभी के, देखें आप ना मोबाइल पे अपनी फाइबर की जो है ना मतलब अकाउंट भी बना सकते हैं, सर्विसेज भी दे सकते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया कि ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड जो सर्विसेज आप दे सकते हैं। अब देखें कैनवा को अगर आपने कभी एक्सप्लोर किया हो, किसी बंदे ने जो हमें देख रहा हो, तो उसमें देखें आप ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड काफी टेम्पलेट्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, और अगर आपका लकीली प्रीमियम अकाउंट भी है उसका, तो उसमें तो आपको काफी तरह के जो ना मतलब वो टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ऑलरेडी, जिसमें आपको फ्लायर्स हैं, पोस्टर्स हैं, आपके कार्ड्स हो गए, बिजनेस कार्ड्स हो गए, इसी तरह ब्रांडिंग से रिलेटेड काफी चीजें हैं, लोगोज वगैरह भी हैं। इसके अलावा वहां पे मतलब हर तरह का टेम्पलेट मौजूद है, इवन प्रिंट मीडिया से रिलेटेड टी शर्ट्स हैं, कप्स हैं, और इवन मॉकअप वहाँ पे मॉकअप्स भी अवेलेबल हैं, लेबल जो लेबल्स होते हैं, जिस तरह आप वाकिफ होंगे जो अमेजोन पे सब प्रोडक्ट वगैरह जाती है तो उसपे बॉक्स डिजाइन होता है या लेबल डिजाइन होता है, उस तरह की भी चीजें वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। प्रेजेंटेशन डिजाइन से रिलेटेड वहाँ पे चीजें अवेलेबल है। फिर वीडियो की तरफ अगर आप आए तो वीडियो एडिटिंग भी आप इजीली वहाँ पे कैनवा पे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनिमेशंस आपको जो ना ये वो फैसिलिटी देता है, तो इसलिए वगैरह डाल के आप उसको कर सकते हैं, बना बिल्कुल सकते बेसिक हैं। लेवल की तो आप कर सकते हैं, आउटरोज इंट्रोज आप कर सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो एडिट कर सकते हैं, आप इवन कैप्शन वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, अब वॉइस ओवर अगर आपने किया तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। कैश कॉ वीडियोज हैं आजकल जैसे चल रही है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कि आप फेसलेस चैनल जिसको बोलते हैं, तो उसकी सर्विस तो आप इजीली दे सकते हैं कि आपने कहीं से मतलब एआई के थ्रू अपना वॉइस जनरेट करवाई और आपने एक स्क्रिप्ट जो है बनाया और वहां पे अपलोड कर दिया, और आपने इमेजेस और उसको सपोर्टिंग जो स्टॉक इमेजेस होते हैं, कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं, वो आपने कहीं से डाउनलोड करके, इवन कैनवा के अंदर भी मौजूद होते हैं, तो वो आप वहां से लगा के उसकी वीडियो बना के अपने चैनल पे भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो भी कर सकते हो। तो इसके अंदर यह है कि $1,000 भी मैंने लोगों को बनाते हुए देखा है, मतलब एक्सेप्शंस हैं, लेकिन यह है कि हर बंदा उस लेवल तक नहीं जा सकता, लेकिन लोग कैनवा के टेम्पलेट सेल कर रहे हैं, इवन इंटरनेशनली अभी जितने भी ब्रांड्स हैं या जितने भी जो ना बिजनेसेस हैं, वो ये प्रेफर कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपना जो ये डिजाइन का वर्क है या कोई भी वर्क है उसको ऑटोमेट करें। ऑटोमेशन में यही होता है कि वो आपसे डिजाइनर से आएंगे, उसको बोलेंगे कि आप हमें बेसिक 5 to 6 टेम्पलेट्स बना के दे रहे हैं कैनवा के ऊपर, तो वहां पे उनकी ब्रांडिंग सेट हो जाती है, उसके बाद वो क्या काम करते हैं वो खुद ही, मैंने कई मतलब स्मॉल बिजनेस ओनर्स को देखा है या ऐसे लोग, क्योंकि अब्रॉड में लोग काम कोशिश करते हैं कि सारा काम कोशिश करते हैं खुद मैनेज कर लें, तो वो ये करते हैं कि टेम्पलेट्स बनवा लेते हैं हमसे और बाद में उसको खुद एडिट करते रहते हैं। तो इसकी काफी ज्यादा सर्विसेज चल रही हैं कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड टेम्पलेट्स बना कर, इवन एट्से पे मैंने देखा है कि एट्से पे भी सोशल मीडिया के टेम्पलेट्स सेल हो रहे हैं, और वो बिल्कुल भी कैनवा पे बने हुए, और लोग मतलब जो एट्से पे जो ना मतलब सेलर्स हैं, जो अब्रॉड के सेलर्स हैं, वो गूगल उस पे फाइवर पे आते हैं, वहां से लोगों से टी शर्ट्स बनवाते हैं, कप्स बनवाते हैं, यस, सर्टिफिकेट्स बनवाते मुझे हैं, कस्टमाइज वेडिंग कार्ड्स आपने बनवाते हैं, दिए। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें बनवा के वहां पे जाके सेल करते हैं, और वो कैनवा पे ही बनी होती हैं। हाँ, लेकिन अगर इसको हम पर्टिकुलरली सिर्फ कैनवा से रिलेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके पास और भी एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक एडोबी है, इलुस्ट्रेटर है, जिसको उसका इस्तेमाल आता है तो उसके ज्यादा पैसे भी बन सकते हैं। $1,000 की ऐसे ही रीच है, तक बिल्कुल जाने नहीं, के मैं तो अगर अगर मुझसे कोई होंगे। सवाल पूछता है कि आपने ना मतलब प्रोफेशनली ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है या डिजिटल मार्केटिंग में आगे चलना है, तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि आपने प्रॉपर रोड मैप फॉलो करना है, उसमें यही है कि आप फोटोशॉप सीखें, इलस्ट्रेटर सीखें, इन डिजाइन सीखें, प्रीमियर प्रो सीखें, मतलब ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये तो मतलब किंग है, लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं होते, मतलब किसी के पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, अच्छा पीसी नहीं है, तो वो क्या करे, तो वो ये कर सकता है कि अपने मोबाइल से कैनवा से लेके, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी आप सर्विस दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट को ये बताएं कि ये किससे, जो ये टेम्पलेट दे रहे हैं, ये जो चीज बना के हम आपको दे रहे हैं ये कैनवा पे बनी हुई है, लेकिन ये कि फाइवर पे भी अभी आप जाके देखेंगे तो आप लिखेंगे कि कैनवा फ्लायर्स, या आप लिखेंगे कैनवा सोशल मीडिया टेम्पलेट, तो इस तरह के कीवर्ड्स वहां पे ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। अच्छा सना उल्ला साहब कह रहे हैं कि जी फाइबर पे कंपटीशन बहुत है तो हम लिंक्डइन को भी प्रेफर करते हैं। हर प्लेटफॉर्म की अपनी खूबसूरती है। मैं यहाँ पे ये जवाब देना चाह रही थी कि अपवर्क और फाइबर आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग पे हेल्प आउट करते हैं, आपका पोर्टफोलियो बनता है जब आप किसी को बताते हैं कि मैंने इतनी अर्निंग्स की हुई है और इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से की हुई है और इंटरनेशनल डील किया हुआ है, तो उसकी एविडेंस के तौर पर आप अपने पोर्टफोलियो को यूज कर सकते हैं। ऑल्दो लिंक्डइन बहुत अच्छा है, वहां सैचुरेशन नहीं है, आपको लोग मिल जाते हैं, क्लाइंट्स मिल जाते हैं,
तो इसमें हम फर्क नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है, किसी को कुछ सूट करता है, किसी को कुछ। जैसे मैं अभी सेशन स्टार्ट होने से पहले वकास से कह रही थी कि वकास फाइवर मुझे जो है ना वो रास नहीं आया, फाइवर से मैं जब हूँ अपवर्क पे शिफ्ट होगी तो मैंने उधर से पैसे बनाए। तो हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती है, अपनी अपनी एक चॉइस होती है, या आपको रास आ जाती है कुछ चीजें। तो ये हम इसके ऊपर ऐसे ही डिबेट नहीं कि फाइवर इज बेटर और अपवर्क इज बेटर और लिंक्डइन इज बेटर, सब सोर्स ऑफ इनकम बनाने का जरिया है। आपने बस पैसा बनाना है, किसी भी तरह बनाए और अच्छी स्किल्स को बेच के अपना पैसा बनाए। तो ये इस पे हमने आज स्टार्ट किया। अच्छा, अनम बशीर पूछ रही है, लेट मी शो यू द क्वेश्चन हियर, कि ऑन फाइवर वीडियो गिग इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल नाउ आफ्टर द बायर रिक्वेस्ट, आगे क्वेश्चन मार्क है। सॉरी रिपीट कीजिएगा, क्या कह रही हैं? ऑन फाइवर वीडियो गिग इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल नाउ आफ्टर द बायर रिक्वेस्ट। मुझे भी थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉपरली समझ नहीं आया, लेकिन बायर रिक्वेस्ट आने के बाद। अगर ये कह रही हैं कि जो गिग वीडियो होती है, क्योंकि फाइवर पे थंबनेल्स होती हैं और साथ आप गिग वीडियो भी ऐड करते हैं, अगर वो उससे बिल्कुल रिलेटेड बात कर रही हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनी गिग के ऊपर साथ गिग वीडियो ऐड करते हैं, थंबनेल्स मतलब एक तो आपको थंबनेल्स ऐड करनी होती है, तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। उससे आपकी जो ऑर्गेनिक जो जो रीच है वो थोड़ी सी बढ़ती है और बायर ज्यादा इंगेज होते हैं और आपके जो इंप्रेशन है, क्लिक्स हैं, वो थोड़े से इंप्रूव होते हैं और आपको ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन यही था कि गिग वीडियो जो है ना वो ऐड करने से आपको फायदा होता है, तो वाकई फायदा होता है। और जो आपने साथ बात की बायर रिक्वेस्ट की, तो वो तो यही है कि फाइवर ने बायर रिक्वेस्ट खत्म कर दिया, लेकिन उसका ताल्लुक मुझे वीडियो के साथ, गिग वीडियो के साथ समझ नहीं आया। नहीं, समझ आ रहा था। इससे आगे क्या होगी कि वीडियो लगाने से कन्वर्जन बढ़ जाती है। हम अमेजोन के सिनेरियो में बात करें तो जब हम पीपीसी ऐड चलाते हैं तो जो वीडियो पे ऐड चलता है उसमें कन्वर्जन ज्यादा आती है, क्योंकि लोग विजुअल ऐसे को पसंद करते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना अच्छा आप दिखाते हैं अपनी चीज को, उतने अच्छे चांसेस होते हैं कि आपकी वो कन्वर्जन में तब्दील हो जाए। तो ये चीज थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ माई गॉड, इतना लंबा क्वेश्चन आ गया है हमारे पास, अब मैं इसको कैसे पढूं। लेकिन चले हम अभी अपने शुरू करते हैं, देन इसको एंड पे कैटर करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, यस, अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो रहे हैं फाइबर पे और नए अकाउंट्स अप्रूव नहीं हो रहे, ये क्या चल रहा है? अच्छा, ये अभी रिसेंटली ना फाइवर ने 2023 के अंदर अपने प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस किए हैं और खास करके जो सिक्योरिटी है ना वो उसने टाइट की है। अब इसके अंदर मल्टीपल रीजंस हैं जिनके लोगों के पहले जो लोग हैं उनके अकाउंट्स जो है वो बैन हो रहे हैं। एक तो ये है कि वो टर्म्स एंड कंडीशन की वायोलेशन कर रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशन में ज्यादा जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि लोग जो है ना वो फेक ऑर्डर्स वगैरह लगा रहे हैं। उसके बाद लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बायर्स हैं उनके साथ अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स शेयर की जाए और उनको प्लेटफॉर्म से बाहर निकाला जाए, मतलब थोड़ी सी फाइवर के साथ होशियारी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चक्कर में काफी मतलब सीनियर लोगों ने, मतलब पहले तो ये था कि फाइवर इतनी जो है ना ज्यादा वो उसने स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई हुई थी, ज्यादा मॉनिटर नहीं करता था आपकी चैट्स वगैरह को, मॉनिटर नहीं करता था, लेकिन अभी वो आपकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरह ऑनलाइन पहले लोग जो है ना वो एक्सटेंशन वगैरह यूज करके पूरी पूरी रात ऑनलाइन रहते थे और उनके स्टैट्स वगैरह काफी जो है ना वो अच्छे हो जाते थे। तो अभी मैं देख रहा था कि आप बेशक एक्सटेंशन लगा रहे हैं तो फिर भी जो है ना वो आपको ऑनलाइन शो नहीं करता जब तक आप प्रॉपर एक्टिविटी उसके ऊपर नहीं कर रहे, मतलब आप मैसेजेस नहीं देख रहे, उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो वो आपको तब भी शो कर रहे हैं ऑनलाइन जब आप उसके ऊपर अवेलेबल है। और जो न्यू कमर्स हैं, जिसका मैंने आपको बताया, उनका ये हो रहा है कि फाइवर ने कोशिश की है कि अपवर्क को थोड़ा फॉलो करे, कुछ चीजें अपवर्क फाइवर से ले रहा है, कुछ फाइवर अपवर्क से ले रहा है। उसमें एक यही है कि उसने न्यू जो है ना जो सेलर्स हैं जिसमें खास करके कंपटीशन जिस फील्ड में ज्यादा है, तो उसमें उसने जो है ना वो न्यू सेलर्स को बिल्कुल अप्रूव करना जो है ना बंद कर दिया। खास करके साहब आपने अभी बात की ग्राफिक डिजाइनिंग में हर बंदा ही गिग बना लेता है, इसी तरह वीडियो एडिटिंग में हो गया, इवन डेवलपमेंट में कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे वर्डप्रेस डेवलपमेंट है उसमें काफी ज्यादा गिग्स बनी हुई है, कंटेंट राइटिंग में बनी हुई है। तो इन एरियाज में ये है कि अगर आप ऐसे टॉपिक पे गिग बना रहे हैं, अकाउंट तो आपका क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जब आप पहली गिग बनाते हैं और वो जब आप पब्लिश करते हैं तो वो फाइवर कहता है कि मैं इसको रिव्यू करूंगा, तो वो रिव्यू करता है जब उसको लगता है कि ये आपने गिग उस टॉपिक पे बनाई है जो ऑलरेडी यहाँ पे सेलर ज्यादा हैं, तो वो आपका ओके अकाउंट अप्रूव ही नहीं करता और आपको इमीडिएटली जो है ना वो बैन कर देता है। अच्छा, इसमें मतलब अकाउंट बन जाता है लेकिन गिग अप्रूव नहीं होती, क्योंकि इससे पहले ये था ना फाइवर के ऊपर कि आप एक टेस्ट क्लियर करते थे, 100 मार्क्स का होता था ग्रामर टेस्ट, और उसके बाद आपकी गिग अप्रूव, वो आप अपनी जो है वो पब्लिश कर सकते थे। वो वो टेस्ट कंटेंट भी राइटिंग से अभी रिलेटेड है, जो लोग कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड सर्विस देते हैं उनका जो है ना वो इंग्लिश से रिलेटेड टेस्ट होता है, तो वो उनकी गिग होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो वेब डेवलपमेंट में या नहीं ग्राफिक बकास, डिजाइनिंग में, मैंने ये अमेजोन की गिग लगाते हुए भी फेस किया है।
हम अमेजोन में प्रोडक्ट हंटिंग या सोर्सिंग या पीपीसी के गिग लगाते हैं ना, तो पहली गिग या दूसरी गिग या तीसरी गिग के बाद वो एक टेस्ट जरूर लेता है अकाउंट के ऊपर। न्यू अकाउंट पे लेकिन 7 गिग्स अभी अलाउड। अभी टेस्ट वगैरह नहीं ले रहा, लेकिन अभी वो जू ही जू ही आप अपनी पहली गिग पोस्ट करते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो उसको चेक करता है, रिव्यू करता है, और कभी कभी होता है जब 5 मिनट्स में या 10 मिनट्स में या 1 आवर के अंदर अंदर ही वो आपको ईमेल कर देता है कि वी आर सॉरी, वी कैन नॉट अप्रूव योर सैलर अकाउंट। और इसमें मैं चीजें कुछ और भी होती हैं, एक तो सबसे बड़ा रीजन जो मैंने आपको बताया वो ये है, दूसरा इसमें थोड़ी सी एड ऑन करूंगा कि लोग थोड़ा सा, मैंने आपको बताया न्यू सेलर्स भी ना चालाकी करते हैं, चलो पुराने भी कर रहे हैं लेकिन न्यू सेलर्स भी चालाकी करते हैं कि आते साथ ही सबसे पहले तो यूजर नेम ऐसा रखेंगे कि प्रोफेशनल नहीं होगा। अभी उस पर भी एक अपडेट आई है फाइवर की कि भाई आप यूजर नेम ऐसा रखें जिसमें आपका अपना नाम हो, क्योंकि देखिए उन्होंने प्रूव करना है आप पैसे कमा रहे हैं, समझे, एक फॉर्मल चीज है, जैसे आपका आईडी कार्ड है उसी तरह आपका फाइवर का अकाउंट है, लेकिन लोग उस पर उल्टा सीधा नाम रखते हैं। तो वो उसने कहा है कि एक तो आपका पर्सनल जो फर्स्ट नेम है वो हो, और साथ अगर जो आपकी सर्विस है तो चले आप उसको ऐड कर सकते हैं या एजेंसी का नाम ऐड कर सकते हैं। सेकेंडली ये होता है कि प्रोफाइल पिक्चर पे लोग क्या काम करते हैं, गूगल से उठा के पिक्चर दे रहे होते हैं या किसी और की चोरी करके लगा बिल्कुल रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट ये होता है एग्जैक्ट कि डिस्क्रिप्शन जो होती है या जो आपकी जो प्रोफाइल का टैग लाइन होती है वो भी वो किसी ने उनको बताया होता है, जहाँ से उन्होंने सीखा होता है या कुछ किया होता है। लोग तो ये कहते हैं यार आप आइडिया लें, फॉर एग्जाम्पल मैं भी अगर किसी को सिखा रहा हूँ तो मैं सिर्फ कहूंगा कि आप यहाँ से आइडिया लें कि किस तरह लिखी है, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट आप उसको उठा के सेम टू सेम कॉपी कर लें। फिर सेकेंडली ये होता है कि गिग इमेजेस भी ऐसी होता है कि वो कॉपी कर लेते हैं, और इवन कैसा होता है कि गिग इमेजेस के ऊपर लोग अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, मतलब ईमेल लिख देते हैं या फोन नंबर लिख देते हैं या कुछ इस तरह की चीजें लिख देते हैं जो कि अलाउड नहीं है। फिर गिग डिस्क्रिप्शन में आए तो वहां पे भी लोग ये काम कर रहे हैं, अपने फेसबुक के अकाउंट की डिटेल्स डाल देते हैं या फोन नंबर डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं, तो ये भी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं होता और मतलब बैन होता है। सही। तो ये नहीं, अब ये अपने आप को अपडेट करता जा रहा है। कुछ जैसे आपने बताया कि कुछ जो है वो क्वालिटीज अपवर्क की अडॉप्ट कर रहा है, और कुछ अपनी जो काफी सॉफ्ट थी उसकी तरफ से कह लेंगे रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, उनको वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि एक मेन रीजन तो ये भी है कि हम मल्टीपल अकाउंट्स जब बनाते हैं तो भी डिटेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से भी अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं हमारे, कि अगर देखिए आपकी आईपी। इसमें भी सस्पेंड होते हैं, इसमें भी नो डाउट सस्पेंड होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आप गलती कर रहे हैं, गलती ये है कि अगर आपने एक डिवाइस के ऊपर एक अकाउंट बनाया हुआ है, और लोग क्या करते हैं कि एक ब्राउजर पे जो है एक अकाउंट बना लेते हैं, दूसरे ब्राउजर पे दूसरा अकाउंट बना लेते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये चीज फाइवर डिटेक्ट ना करे। ये तो बिल्कुल ही मतलब जो है ना फाइवर के साथ वो करने वाली बात है कि एक आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन इसका एक तरीका है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी एजेंसी है या अगर आप ऐसे हैं कि आप अभी एक्सपीरियंस हैं और आप मल्टीपल अकाउंट्स चलाना चाहते हैं, तो उसका एक लीगल वे है। देखिए आपके एक नाम पे तो एक ही अकाउंट बनेगा, एक से ज्यादा बन नहीं सकता, तो या तो आपके फैमिली मेंबर्स के नाम पे आप दूसरा अकाउंट बना लें या अपने जो एजेंसी के आपके वर्कर्स हैं उनके नाम पे बना लें, लेकिन उसके लिए ये है कि आप डिवाइस सेपरेट रखें। इंटरनेट का इतना ज्यादा इशू नहीं होता, लेकिन उसके लिए भी अगर आपने सेफ्टी करनी है तो सेफ्टी का ये तरीका है कि आप मोबाइल फोन पे जो सिम है सिम के ऊपर आप अपना डेटा मतलब परचेज कर लें, 500 700 का जो ना आपको मंथली का पैकेज लग जाता है, जिसपे ये होगा कि फोन पे आपका जो अकाउंट है वो ऑनलाइन रहेगा, जब भी मैसेज आएगा आप वहां से रिप्लाई करें और वहां से डिटेल्स निकाल के आप जो है ना ऑर्डर कंप्लीट करें और फिर उसी फोन के थ्रू आप जो है ना उस ऑर्डर को डिलीवर कर दें। फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा वकास, जितने कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें, तो हमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है इससे रिलेटेड। जैसे अभी मुझे पास्ट में मेरे साथ एक मीटिंग कर रहे थे, ही केम फ्रॉम द मुल्तान एंड हमारी थोड़ी सी कन्वर्सेशन हुई फाइबर पे, तो ही सेड डैट कि आप अगर एक इंटरनेट पे मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं तो आपके अकाउंट उड़ जाते हैं, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि जैसे ये मेरे मानने में तो अभी तक नहीं आ रहा कि भाई एक इंटरनेट, तो अब हम हर इंटरनेट तो चेंज नहीं कर सकते ना, आपके घर में है और अगर 4 से 5 बहन भाई हैं, आप काम कर रहे हैं और अपने अपने फाइबर अकाउंट चला रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कैसे आपकी आईपी डिटेक्ट होती है? तो आई थिंक आईपी जो है वो डिवाइस की डिटेक्ट होती है, ना कि इंटरनेट से इसका कोई ताल्लुक है। तो आईपी आपका डिवाइस क्या? की होती है। देखिए मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ कि अब मैंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था वो मैंने हॉस्टल से किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ पे तकरीबन मतलब जो है ना हमारे 200 जो है ना वो रूम्स थे, बिल्डिंग थी पूरी, तो उसके अंदर ज्यादातर लोग, क्योंकि हमारा वहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही फाइबर पे काम करने का कल्चर था, वहीं से मैंने सीखा भी, तो वहाँ पे हर बंदे का सेम नीच पे था। आप तो डिफरेंट नीच की बात कर रही है ना, वहाँ पे ज्यादातर लोग ग्राफिक्स से रिलेटेड, क्योंकि इजी थी, मैंने आपको बताया था, तो सारे तकरीबन सेम नीच और इवन सेम गिग्स, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गिग बनाई तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार इस पे अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं तुम भी बना लो, तो हमारा तो कभी भी बैन नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि हमारी डिवाइसेस अपनी थी, हमारे फोन अपने थे, आईपी एड्रेस हमारे अपने थे, तो हमने कभी ऐसा नहीं किया कि अपने फोन के ऊपर मतलब मल्टीपल अकाउंट्स खोलें या अपने लैपटॉप के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स खोलें। डिवाइसेस हमने सेपरेट रखी हुई थी, तो हमारा काम, इवन हम सारे बैठ के, कभी भी ऐसा होता था कि एक रूम के अंदर हम 5 से 7 बंदे एक साथ बैठ के करते थे, अगर एक को नहीं आता तो दूसरा हेल्प करता था। आपने देखा होगा कभी भी यहाँ पे इस्लामाबाद में, लाहौर में, ये कल्चर है, जो लोग बेचारे दूर से आए होते हैं वो एक फ्लैट में या एक रूम में रहते हैं, तो लोग तो सारे मिलके एक रहे जगह बैठ के काम होते करते हैं हैं। सो इंटरनेट का इसमें कहीं कनेक्शन नहीं है, आपकी डिवाइसेस के आईपी सेम नहीं होने चाहिए अगर आप मल्टीपल बिल्कुल अकाउंट्स चला डिवाइसेस रहे का, हैं। और कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई ऐसी जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता, तो आप जस्ट एक इसको जो है इंटरनेट को बहाना बना लेते हैं, लेकिन आपने कोई और भी टर्म्स एंड कंडीशन ब्रीच की होती है। सही। तो इफ अगर कोई अकाउंट सस्पेंड हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, आईपी वॉल्यूशन की वजह से हो गया या आप कह लें कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन ब्रेक की, तो उसके बाद ये अप्रूव भी हो जाती है अगर आप अपील करें या परमानेंटली ब्लॉक करते हैं अमेजोन कह रही हूँ फाइवर अकाउंट आपका? अच्छा, इसमें ना अगर फॉर एग्जांपल आपने, आपका एक्सपीरियंस अकाउंट है कि आपने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, आपको 1 साल हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, 2 साल हो गए, मतलब आपने ऑलरेडी अकाउंट पे कुछ काम किया हुआ है, तो फिर यह है कि आप जो है ना वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो ना ईमेल के थ्रू फाइबर कस्टमर सपोर्ट पे, आप रीजन बता सकते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपने किसी बायर के साथ मिसकम्युनिकेशन की होती है, मतलब उसको अब्यूज किया होता है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि ये फाइबर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, मतलब आपका एकदम अकाउंट उड़ा देता है, या आपका किसी ने जो ना वो किसी को आपने सर्विस अच्छी नहीं दी है, किसी के साथ आपने फ्रॉड किया है, तो वही होता है कि क्लाइंट जाके आपके खिलाफ जो है ना वो रिपोर्ट कर देता है, तो उस केस में भी होता है कि आपको जो है ना वो फाइवर सस्पेंड कर देता है। फिर अगर आप उसको प्रूफ दें कि भाई मेरी तरफ से जो है ना कोई इशू नहीं हुआ था, तो होता है कि मतलब कुछ केसेस के अंदर आपका जो अकाउंट है वो मिल जाता है, लेकिन जो नए लोग हैं जिसमें मैंने आपको बताया, उनका तो अकाउंट एकदम ब्लॉक होता है, तो उनकी तो कोई हिस्ट्री नहीं है, वर्क हिस्ट्री नहीं है, तो वो ये है कि उस सिनेरियो में जो ना आपका अकाउंट वापस नहीं आता। कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप फाइबर सपोर्ट से बात करें, उनको प्रूफ दें, तो उसके अंदर आपको आपका अकाउंट वापस मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़े प्रूफ देने पड़ते हैं। सही। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें हम बात करना चाहेंगे कि फाइवर के ऊपर कम्युनिकेशन का क्या रोल है, कम्युनिकेशन कितना वर्थी है जब आपने ऑर्डर लेने हैं या डिलीवर करना है, तो इस पे आप क्या अपनी सजेशन देना चाहते हैं? देखें, कम्युनिकेशन फाइबर की बात नहीं है, ये इवन आपकी डेली लाइफ है, इवन आप फेसबुक के ऊपर हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर हैं, आप अपवर्क के ऊपर हैं, आप कहीं पे भी हैं, कम्युनिकेशन समझ लें जो है ना वो 80% मेरे ख्याल से जो है ना वो आपका बिजनेस जो है ना वो आपकी कम्युनिकेशन ले आएगी। अगर आपके पास 20% स्किल है, तो 80% आपके पास अगर जो है ना कम्युनिकेशन है, तो आप जो है ना उस फील्ड के अंदर काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, मतलब आप वही जो है ना स्किल किसी और के थ्रू जो है ना आप उसको काम को करा सकते हैं, आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन अच्छी है। तो फाइवर पे भी यही चीज है कि एक बंदा आपके पास आता है, आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है। देखें, कम्युनिकेशन तब इम्प्रूव होती है कि आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस हो, कॉन्फिडेंस तब ही आता है, और आप सच बोल रहे हो, तो ऐसा होता है कि आप उसकी जो है ना जो भी प्रोजेक्ट है उसको अंडरस्टैंड करें, और अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको बताएं कि अगर ये प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल आप $10 दे रहे हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू उस $10 के ऑर्डर को $100 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल एक काम है आपसे नहीं हुआ, ठीक है, तो अब जिस बंदे की कम्युनिकेशन नहीं है वो यही करेगा, डर जाएगा, ठीक है, या भागेगा, रिप्लाई नहीं करेगा फाइवर पे, तो वो क्या होगा, क्लाइंट जो ना कैंसिलेशन करेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो जाके फाइवर सपोर्ट से बात करके ऑर्डर कैंसिल कर दे। लेकिन एक एक्सपीरियंस बंदा है, जिसका मैं करता हूँ, पास में ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा हुआ कि मुझसे काम नहीं हुआ, तो मैंने क्या काम किया, मैंने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट किया अच्छे अंदाज में, उसको बोला कि ये काम मुझसे नहीं हो सका, लेकिन ये है कि अगर ये मैं ऑर्डर कैंसिल करता हूँ तो मेरे इसके स्टैट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो अगर आप जो है ना ये काम करें कि आपको अगर इन फ्यूचर ये सर्विस जरूरत पड़े तो आप मेरे पास दोबारा आ जाइएगा, तो मैं आपको इसी पैसे के अंदर ये सर्विस दोबारा दे दूंगा, अभी आप ये ऑर्डर कंप्लीट कर। अब देखिए, मैंने उसको कोई काम करके नहीं दिया, कुछ भी नहीं करके दिया, कई ऐसे मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं कि मैंने बगैर काम किया ऑर्डर कंप्लीट करवा लिया, और वो बंदा दोबारा आया, मतलब इन फ्यूचर 1 month बाद, 2 month बाद, 3 month बाद, उसने जो प्रोजेक्ट दिया वो मुझे समझ आया, वो मैंने उसको करके दे दिया। क्योंकि देखिए, फाइवर पे ऐसा भी होता है कि अगर 6 महीने साल भी गुजर गया और एक बायर ने आपका जो है ना मतलब आपने एक बायर के पैसे लिए और आपने मिसकम्युनिकेशन की, और आगे वो प्रूफ दे के फाइवर सपोर्ट पे करे, तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो ब्लॉक हो इसीलिए कि सकता आपने मतलब सच्चाई के ऊपर जो ना रहना है, तो मैं ये बताऊंगा कि कम्युनिकेशन से आप ऑर्डर ले भी सकते हैं, आप ऑर्डर मतलब काम ना किए हुए भी करके दे सकते हैं, पेमेंट भी बढ़ा सकते हैं, तो
हर तरह का सिनेरियो जो ना वो आप टैकल कर सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है। आप बायर्स को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बायर लेके आ सकते हैं फाइवर से, इसमें काफी चीजें जो ना वो हो सकती हैं। और बिल्कुल, आप चूंकि एक इंटरनेशनल लेवल पर डील कर रहे हैं तो आपकी इसमें इंग्लिश की बात भी मैटर करती है कि आपकी अंग्रेजी इतनी हो कि अगले बंदे को समझ आ सके, सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह का हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझ आ सके। तो ये भी जरूरी है आपकी सॉफ्ट स्किल के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स पे। मुझे ये तो एक बिल्कुल, और ये तो मस्ट है कि आपने इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप इसके लिए भी काफी जो है ना गूगल पे आपके पास जो है ना सोल्यूशन मौजूद हैं, आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कर लें, इवन और काफी जो है ना सोल्यूशन हैं। आप तो इतना ज्यादा माशाल्लाह से एआई इतनी प्रोग्रेस कर रही। रिटन कम्युनिकेशन इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। वो आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, आप उसके थ्रू भी अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप टूटी फूटी इंग्लिश लिख रहे हैं लेकिन वो आपको उसको जरा रिफ्रेस करके दे देती है। तो ये रिटन कम्युनिकेशन इज नॉट अ बिग डील, लेकिन इसमें भी एटलीस्ट बेसिक स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए ना। तो मैं बस ये इसमें कहना ये चाह है रही कि हूँ कि मेन चीज आपको ना अपनी फील्ड के ऊपर आपकी जो बात आप कर रहे हैं उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब आप इंग्लिश तो सही लिख रहे हैं, मतलब आपने काफी अच्छे स्ट्रक्चर में इंग्लिश लिख दी, लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं वो आप गलत बोल रहे हैं। मतलब आप जो है ना एक बंदे को ऐसा लॉजिक दे रहे हैं कि जो लॉजिक है ही नहीं, तो उसमें फिर ये बनती होगा कि आपको जो है ना वो बाहर आगे से कहेगा कि ये जो है ना इसके साथ काम करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। और ऑन टाइम डिलीवरी के लिए आपको अपने जो काम है वो वक्त से पहले कंप्लीट करने हैं, ठीक है। डिलेज नहीं लेके आने, इससे आपकी रेटिंग आपकी प्रोफाइल पे इम्पैक्ट जाता है, खराब होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि जब तक मुसीबत सर पे नहीं पड़ती हमने ऑर्डर स्टार्ट ही नहीं करना। वो पता है हमारे यहाँ इंटरनेट कभी भी चला जाता है, बारिश होती है तो बिजली 3 3 दिन नहीं आती, इस तरह की चीजें होती है। तो उसमें आप अपनी डेडलाइंस को पहले ही कंप्लीट करके रखें, ना कि आप एट द एंड भाग रहे हो, आधा घंटा रह गया आपने काम अपना सबमिट करवाना है, या फिर आप उसको गोलियां देते हैं, घुमाते हैं कैसे हो गया वैसे हो गया। नहीं, आप तो अगर सच देखें कभी कभी देखें दुनिया है, इश्यूज हो जाते हैं मतलब बंदों के साथ, लेकिन यह है कि आप जो बात कर रहे हैं वो आप सच बोले। आप मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ भी इश्यूज होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं लेट हो जाता हूँ, डिलीवरी लेट हो जाती है, लेकिन मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मैं अगर क्लाइंट को बात करूंगा ऑनेस्टली, उसको बोलता हूँ कि भाई ये मसला था मैं इसलिए नहीं कर सका, तो आप ये डिलीवरी मेरी जो ना एक्सटेंड कर दें 1 दिन की और फिर मैं आपका काम कंप्लीट कर दूंगा, तो ये नहीं, होता है ये कि देखिए कि तकरीबन। आपने टाइम से पहले कम्युनिकेट करते हैं ना, टाइम गुजर गया तो आपको वो रीच कर रहे हैं, आप मिल नहीं रहे, और फिर तो वो फ्रस्ट्रेटेड होगा ना, एंड ही विल से देखिए बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान है कि आपने बात करनी है, फाइवर पे हो गया या लिंक्डइन या कहीं पे भी देखें, आप अगर फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कर रहे हैं या एग्जैक्टली कोई सर्विस दे रहे हैं, आप अपने क्लाइंट के साथ बात करें। कोई भी मसला है, अगर आप नहीं भी करके दे सकते फिर भी आप उसके साथ बात करें, तो बात करने से ये होता है कि आपकी बात जो है ना वो खराब नहीं होती। अगर नहीं आप बात करेंगे तो वो अपने माइंड में काफी चीजें सोचेगा कि पता नहीं ये बंदा किधर चला गया, एग्जैक्टली भाग गया। हमारी जैसे अमेजोन की फील्ड के अंदर हमारा अगर कोई किसी दिन ऑर्डर नहीं भी आ रहा ना, नॉट अ बिग डील, नहीं आते समटाइम्स ऑर्डर, लेकिन आपने रिपोर्टिंग जरूर करनी है ताकि उसको पता हो कि आप उसके अकाउंट पे काम कर रहे हैं, आप उसके काम को सीरियस ले रहे हैं जिसका वो आपको पे कर रहा है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम आम लोगों का यही सोचना है कि फाइबर के ऊपर बड़ी लो पे जॉब्स मिलती हैं, इज दैट करेक्ट? देखें ये ना मतलब नाम से जाहिर है कि फाइवर, फाइव मतलब के पांच, मतलब $5 से बेसिक पैकेज स्टार्ट होता है। अब ये एक तरह से ठीक भी है, ठीक इस तरह से है कि मतलब जो लोग न्यू कमर्स होते हैं आ रहे होते हैं, तो वही है कि मतलब लो एक जो है ना बजट से जो है ना अपनी सर्विस डाल के मतलब जो ना स्टार्ट कर सकते हैं अपना कैरियर, और उनको यह है कि ऑर्डर मिलेंगे, बायर को इतनी टेंशन नहीं होती कि चलो $5 का ऑर्डर है, तो यह कि आपका एक जो है ना वो समझ लें ऑर्डर कंसिडर हो जाता है। लेकिन जब आप थोड़े एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज हो जाती है, तो फिर आप फाइवर से जो है ना मतलब अपनी मर्जी से जो है ना वो चार्ज कर सकते हैं ये। लेकिन वही मैंने आपको जैसा बोला कि आपको अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी स्किल के ऊपर अबूर होना चाहिए, मतलब आप जो चीज बोल रहे हैं और जिस तरह आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो आपकी पोर्टफोलियो है, वो ये चीज बताए कि भाई आप ये जो चीज बोल रहे हैं आप वाकई जो है ना दूसरों से चीज डिफरेंट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी सब मेरे पास एक बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे एक लोगो डिजाइन बना के दे। अगर एक न्यू कमर के पास जाएगा वो $5 में भी कर सकता है, लेकिन अगर मैं उसको प्रॉपर एक जो है ना कम्युनिकेशन के थ्रू सारी बात बताऊं कि मैं क्यों जो है ना आपको जो जो लोगो डिजाइन दूंगा वो $100 का दूंगा या $200 का दूंगा, उसमें क्या फर्क होगा, मेरा क्या मतलब हिस्ट्री क्या है, आप मेरी प्रोफाइल विजिट करें, लोगों के रिव्यूज देखें, वीडियो टेस्टिमोनियल्स में उसको दिखा सकता हूँ, मतलब उसको मैं सारी चीजें ऐसी दिखाऊंगा जिससे उसको कॉन्फिडेंस हो। बात तो वही आ गई ना कि आप टमाटर रेडी से भी ले सकते हैं और आजकल जो मार्ट्स हैं वहां से भी आप जाके ले सकते हैं, इसी तरह कपड़ों की बात है आप लंडे से भी ले सकते हैं जाके, और जाके आप जो ना एक अच्छे ब्रांड से भी ले सकते हैं, तो वो आपने डिसाइड बिल्कुल करना है कि आपने जो ना वो लंडे में जाके जो ना सर्विस देनी है या फिर आपने जो ना एक मॉल में ब्रांडेड जो ना अपना
शॉप खोली है। लेकिन यहाँ पे फिर मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि जब आप अपनी गिग लगाते हैं और कि कोई $5 में लगा रहा है और आपने $100 में लगाई है, तो क्या क्लाइंट आपकी तरफ आएगा या आपकी गिग थोड़ी सी मिनिमम प्राइस की होगी, जब वो आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा, चैट में आएगा, देन आप उसको कस्टमाइज जो है वो ऑफर सेंड कर सकते हैं या उसको कन्विंस कर सकते हैं, तो ये तरीका कार चलेगा कैसे? अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करता हूँ, मतलब मेरा ये कोशिश होती है, पहले स्टार्ट में तो मैं भी ऐसे ही करता था, मेरा होता था कि मैं मंथ में ना ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करूँ, 30 कर लूँ, 40 कर लूँ, 60 कर लूँ। लेकिन कुछ टाइम के साथ साथ मैंने ये चीज सीखी है कि कम प्रोजेक्ट्स हों और उनकी जो ना वो आपका बजट ज्यादा हो तो आपके लिए अच्छा है, टेंशन भी नहीं होती। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैंने अपनी प्राइस थोड़ी ज्यादा ही रखी होती है, उससे ये होता है कि मेरे पास क्लाइंट वही आता है जो सीरियस होता है और मुझे जो लगता है कि जो प्रोफेशनल होता है, और इवन ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं। और एक और चीज आपको मैं बताऊं पर्सनली कि जब आप अपनी प्राइस हाई करते हैं ना तो आपकी गिग की जो रैंकिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि देखें फाइवर को आपसे ज्यादा कमीशन मिल रहा है और एक वो बंदा जो $5 की सर्विस दे रहा है उससे मतलब कम मिल रहा है, तो रैंकिंग पे भी फर्क पड़ता है और आपकी गिग मतलब रैंक रहती है ज्यादा टाइम के लिए अगर आप प्राइस ज्यादा करते हैं। और इसमें एक और चीज है कि जो कैंसिलेशन है वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि देखें जब आप कम प्राइस मतलब रखते हैं कोई भी बंदा आके उसको तो टेंशन नहीं है, $5-10 पे वो ऑर्डर डाल देगा। लेकिन जब आप प्राइस थोड़ी सी हाई कर देंगे तो वो भी सोचेगा, वो पहले आपको मैसेज करेगा, आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, और फिर जब आप उसको कस्टम मतलब जो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ही जो ना आपकी म्यूचुअल जो ना वो समझ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के साथ वो जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट होगा। तो इसमें ये काफी चीजें हैं जो आपको मतलब जो ना वो हेल्प करती लेकिन है, इवन जो कस्टम कस्टम रिक्वेस्ट जो आप अपने अकाउंट से भेजते हैं उससे भी आपकी जो रैंकिंग है वो जो ना इंक्रीज होती है। ये भी एक टिप याद रखिएगा कि एक बंदा अगर ऑर्गेनिकली आके डाल रहा है अच्छा वकास, हाँ जी, आप कह रहे थे कि वहां से हमारी बात खत्म हो गई थी जहां आपने कहा था कि प्राइस हाई होगी तो आपकी गिग ऑर्गेनिकली रैंक हो जाएगी ज्यादा, लेकिन मैं इसमें ये कह रही थी कि जी। आपको तो एक टाइम हो गया ना, लाइक 4 इयर्स से आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर है स्टार्टिंग में तो आपने भी बेसिक लेवल पे $5 $10 से ही स्टार्ट किया होगा, इसमें टाइम कितना मैटर करता है हाई प्राइस चार्ज करने में, या देखिए एक न्यू भी प्राइस जा में ना मैं आपको बताऊं कि अगर आप न्यू सेलर भी हैं ना तो मैं ये रिकमेंड करता हूं कि आप मिनिमम भी ना अपनी $10 से जो है ना प्राइस स्टार्ट करें, क्योंकि देखें मार्केट ना बहुत खराब हो गई है। इस टॉपिक पे भी मैं बात करना चाहता था कि मतलब कि क्यों हम लोग ना बहुत कम रेट्स में जाके कर रहे हैं। इवन आप न्यू कमर हैं वो आप मसला नहीं है, लेकिन आप इतना कम रेट अपना ना गिराएं, आप पहले देखें कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं उन्होंने अपने रेट्स क्या रखे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 50 रखा हुआ है या 100 रखा हुआ है या $70 रखा हुआ है तो आप कम अज कम उसका 50% तो चार्ज करें, क्योंकि देखिए जब आप कम करते हैं तो उसकी वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। इवन मुझे काफी इम्पैक्ट मतलब फेस करना पड़ा इस पिछले 1 साल में कि मैं एक क्लाइंट के साथ जो है ना वो बात कर रहा हूँ, उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और उसको मैंने $100 पे या $200 पे जो ना वो मतलब मेरी उसके साथ डील पक्की होने वाली है, लेकिन देखिए बाहर आता है वो एट अ टाइम 3, 4, 5, 10 बंदों को मैसेज करता है कोटेशन लेने के लिए। तो वहां पे जहाँ पे एक बंदा उसको $10 या $20 की सर्विस कहता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता है, तो वो थोड़ी सी ना इसका मार्केट भी खराब होती है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करें कि आप प्राइस थोड़ी हाई रखें, इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि जितनी आप हाई प्राइस रखेंगे आपको उतना ज्यादा रेवेन्यू होगा आपका और आपकी गिग्स भी रैंक होगी और आपको काम करने में मजा आएगा। अच्छा, ये भी इसमें भी एक और चीज़ है कि टारगेटेड ऑडियंस, अगर आप समझते हैं कि आपको थोड़ी लेस कंट्रीज से ऑर्डर्स आने हैं तो वो प्राइस के ऊपर निगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, वो मिनिमम पैसों पे काम कराने चाहते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलरली गोरा क्लाइंट होता है ना, वो काम की क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो आपको हाई प्राइस पे देता है, और अगर आप उसको अच्छा काम डिलीवर करते हैं ना, तो वो जितना आपने प्राइस चार्ज की होती है उससे कई गुना ज्यादा आपको एज अ टिप भी दे देता है एट द एंड, कि आपने अच्छा काम किया है, वो खुश हुआ है आपसे। तो काम अगर आप अच्छा डिलीवर करना जानते हैं तो आप अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद जब आप इस मार्केट के अंदर थोड़ा सा इन हो जाते हैं, लेकिन फिर मैं वकास के साथ एग्री करती हूँ इस बात पे कि हमने वाकई मार्केट बहुत ज्यादा खराब कर दी है। $5 की हमने गिग लगाई है, हमारी अमेजोन की जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना, बेसिकली वो एक महंगी स्किल है, उसके ऊपर टाइम बहुत ज्यादा लगता है, उसकी इवेल्यूएशन की स्टेजेस होती हैं और उसके बाद कहीं जाके वो अप्रूव होती है, तो वो लोग भी $5 में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जो कि हम $500 चार्ज करें तो वो भी कम है, तो ये मार्केट वाकई बहुत ज्यादा खराब कर दी है। इवन इवन वर्डप्रेस की जो ना वेबसाइट्स हैं वो $10-10, $15-15 में लोग बना के दे रहे एग्जैक्टली, आई डोंट नो कि वो कैसा काम डिलीवर करते होंगे, लेकिन बस उसमें भी इनको गलत गाइड इस तरह से करते हैं, क्या ना लो प्राइस रखें
लो कंपटीशन होगा आपका, लाइक हाई कंपटीशन में आप लो प्राइस रख के उनमें इन हो सकते हैं। तो शायद ये एक पर्सपेक्टिव, एक माइंडसेट डेवलप कर दिया गया है कि अपनी प्राइस कम रखिए, बायर अट्रैक्ट होकर आपसे खरीद लेगा। लेकिन इसके इवज क्या हो रहा है कि आप अपनी सिर्फ कुछ गिग्स की रैंकिंग के चक्कर में जो बाकी लोग वहां पे स्टेबल बैठे हुए हैं उनकी मार्केट को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने गिग की रैंकिंग की बात की, गिग्स अक्सर डी रैंक हो जाती हैं, इसकी क्या रीजन है? और अगर वो डी रैंक हो जाती हैं तो इज दैट पॉसिबल कि हम उनको अगेन रैंक कर सकें, या हमें वो डिलीट करके नई गिग बनानी पड़ती है? अच्छा, गिग डी रैंक्स इसलिए होती हैं कि देखें, आप सर्विस दे रहे हैं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप 100% जो है ना वो सर्विस सबको अच्छी दें। मतलब आपके पास अगर एक मंथ में 10 ऑर्डर्स आए हैं तो 10 के 10 ऑर्डर्स मतलब बहुत कम होगा कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल जाएं। बीच में एक अदर ऑर्डर ऐसा होगा कि कैंसिल हो जाएगा, या एक अदर ऑर्डर में ऐसा होगा कि जो फीडबैक होगा वो क्लाइंट आपको अच्छा नहीं दे के जाएगा, या इसके अंदर एक हिडन फीडबैक होता है। एक तो होता है कि सामने फीडबैक होता है और एक होता है हिडन फीडबैक। तो वो क्लाइंट आपको हिडन फीडबैक जो है ना वो गलत दे के चला जाता है, आपको नहीं पता होता। दूसरी बात यह है कि देखें, एट अ टाइम एक जो है ना कीवर्ड के ऊपर कितनी ज्यादा गिग्स बनी हुई है, तो उनका कंपटीशन यही होता है कि जहां पे आपका एक ऑर्डर कैंसिल हुआ या जहां पे आपको एक रिव्यू गलत मिला, आपकी गिग वहीं से नीचे आएगी। और जो दूसरा बंदा है, जो फॉर एग्जाम्पल उसने 5 ऑर्डर किए हैं, 5 के 5 उसने अच्छे डिलीवर किए हैं, तो वो एकदम आपको क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी। इसी तरह ये होता है कि फाइवर बेसिकली जो क्वालिटी सेलर्स हैं उनको प्रमोट करता है। हर जगह ऐसा ही होता है कि प्लेटफॉर्म यही चाहता है कि जो क्वालिटी सेलर है वो ऊपर आए और उनको जो है ना मतलब सर्विस जो है ना मतलब बाहर उनसे खरीदे, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म का नाम खराब ना हो। तो इसमें ये होता है कि आप गिग्स की जो ना जो आपकी गिग एक बार टॉप रैंकिंग पे आई है उसको चेंज करने से बेहतर ये है कि आप अपनी सर्विस पे थोड़ा सा ना वो फोकस करें। कि वही वाली बात है कि आप ऑर्डर कम लें लेकिन वो लें कि जो ऑर्डर आप कंप्लीट कर सकें, जिसमें आपका कैंसिलेशन रेट ना हो या जिसमें ऐसा हो कि आपको जो है ना फीडबैक गलत ना मिले। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि 2017-18 में मैंने काम स्टार्ट किया था, उस टाइम मैंने जो पहली गिग बनाई थी वो आज तक मेरे साथ है। मतलब वो ऐसा होता है कि 6 महीने वो रैंक होती है, 6 महीने वो डी रैंक हो जाती है, लेकिन मैंने उसको आज तक डिलीट नहीं किया। क्यों नहीं डिलीट किया? एक तो उस पर रिव्यूज मुझे पता है कि मैंने काम किया, और सेकंड ये है कि मुझे पता है कि वो गिग मतलब फर्स्ट पे जाती है, मतलब वो फर्स्ट पे भी गई है। जो सबसे पहली जो गिग होती है किसी भी पेज पे, वो वहां पे भी गई है और काफी मल्टीपल जो ना कीवर्ड्स पे वो रैंक हो जाती है। तो मुझे पता है कि इसमें गिग का कोई मसला नहीं है, गिग की सारी चीजें पूरी है, मतलब उसका थंबनेल भी अट्रैक्टिव है, उसकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, उसका टाइटल भी अच्छा है, लेकिन मसला किस में है मुझ में? मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कभी कोई ऐसा बायर आ जाता है कि जिसके साथ मेरी जो है ना वो ऑर्डर सही जो है ना वो नहीं जाता, या कैंसिल हो जाता है, या फीडबैक अच्छा नहीं आता, तो उसकी वजह से ही होता है कि वो मेरी गिग डी रैंक होती है। सही। यहाँ पे हिलाल शाह का एक क्वेश्चन है जिसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। वो तो घोस्ट जो है वो क्लाइंट की बात करें, कि अगर हम किसी दोस्त से कहें कि हमारे बिहाफ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दो और हमें रेटिंग दे दो, यानी वो वीवीआरओ की बात करें, वेरी वेरी रियल ऑर्डर्स। तो मुझे बताइएगा कि वीवीआरओ रिकमेंडेड हैं फाइवर पे? अब मैंने सुना है कि फाइवर इनको भी जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, और उसकी बेसिस के ऊपर भी अकाउंट सस्पेंशन हो रही है। अच्छा, इस पे ये है कि इस पे जितने लोग फॉर एग्जांपल कोर सेलिंग कर रहे थे इन पास्ट जो है ना, तो अब देखें उन्होंने ना अपने आप को सक्सेसफुल दिखाना था, ठीक है? तो सक्सेसफुल दिखाने के लिए वो क्या करते थे, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी लेके आए कि यार आप ना अकाउंट बनाएं और अकाउंट पे आप इन्वेस्टमेंट करें, मतलब 10,000 की, 20,000 की, 30,000 की इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट क्या होती थी कि वो कहते थे कि आप हमें ही पैसे दें, और उनके मल्टीपल अकाउंट्स होते थे जिससे वो ऑर्डर डलवाते थे और ना उनका अकाउंट रैंक करवा देते थे, या फिर जो ना गिग्स के ऊपर जो ना थोड़ी सा वो फीडबैक अच्छा मिल जाता था। लेकिन स्टार्ट में तो ये चीज काफी चली है, मतलब काफी लोगों ने इसे अपने अकाउंट्स भी रैंक किए, काफी लोगों ने इसे पैसे भी कमाए और सेल करके भी कमाए, और इवन ये जो अकाउंट्स हैं वो रैंक करके। लेकिन देखें, फाइवर हो या अमेजोन हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो ये चीजें डिटेक्ट कर लेते हैं, और वो ये नहीं चाहता, क्योंकि देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है कि आप खुद ही जो है अपने आप को ऑर्डर दे रहे हैं। देखें, बेशक आप अपने दोस्त को कह रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं, तो आप खुद ही अपने आप को ऑर्डर दे रहे हैं, और आप बायर को थोड़ा मिसलीड कर रहे हैं कि देखो भाई ये ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, हालांकि वो आपने कंप्लीट नहीं किया, मतलब उसके अंदर कोई रियलिटी नहीं थी। तो इसमें यह है कि फाइवर अटैक कर रहे हैं लोगों के लेवल 2, इवन टॉप रेटेड जो ना सेलर्स के जो ना अकाउंट हैं वो भी हुए हैं कि वो ये चाहते थे कि हमारी गिग डी रैंक ना हो। जो डी रैंक हुई उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, 20-30 हज़ार इन्वेस्टमेंट करना कौन सा मसला है, एक बंदा ऑलरेडी इतनी अच्छी अर्निंग कर रहा है। तो उन्होंने इस तरह का शॉर्टकट अपनाया, तो इससे ये हो गया कि उनका अकाउंट जो है ना वो बैन हो गया, और वैसे भी अल्लाह भी देख रहा है। तो जो चीज इस तरह आप शॉर्टकट मतलब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पकड़ हो ही जाती है। इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो चीज आप कर सकते हैं, कि आप लोकल मार्केट से देखें, जहाँ पे आपके क्लाइंट्स हैं, फेसबुक पे है या इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे या आपके इर्द गिर्द
जो आपसे वाकई ही सर्विस लेना चाहते हैं या जिसको आप दे रहे हैं, तो अगर वो बंदा आपको 1000 रुपीज दे रहा है या 2000 दे रहा है, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर लें कि देखें आप हमें जो है ना, बेशक आप अगर पैसे स्टार्ट में अगर आप पैसे नहीं भी लेते कोई मसला नहीं है, आप उसे बोलें कि जस्ट आप मुझे $5 का ऑर्डर डाल दें या $10 का ऑर्डर डाल दें, लेकिन आप उसके खिलाफ उसको सर्विस दे रहे हैं, मतलब वो रियल हो रहा है, क्योंकि देखें आप ने अपने आप को भी देखें मुंह दिखाना है और अल्लाह ताला को भी मुंह दिखाना है कि वाकई वो चीज रियल थी, वो चीज फेक नहीं थी, मतलब आपने वाकई उस बंदे को सर्विस दी है, लेकिन आपने उसको ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इसको मुझे यहाँ पे पेमेंट ना करें, डायरेक्ट पेमेंट ना करें, आप मुझे फाइवर पे जो ना अकाउंट बना के दे दें, तो वो ये है कि उसमें आपका लॉन्ग टर्म जो ना अकाउंट भी चलेगा और उसमें बरकत भी होगी आपके जो ना अर्निंग्स के अंदर। और दूसरा चीज है, फाइवर इसको प्रमोट करता है क्योंकि आप उसके प्लेटफॉर्म पे नए बायर्स लेके आ रहे हैं, तो वो आपको इस पे अप्रिशिएट करता है, प्रमोट करता है, ना कि आपको जो है वो आउट कर देगा सिस्टम से। क्योंकि अगर आप गलत वीवीआरओस करा रहे हैं या इलीगल तरीके से करा रहे हैं तो वो डिटेक्ट हो जाएंगे, डिटेक्टेबल है अच्छा, उसमें ये होता है ना कि इसमें। उसमें ये भी होता है कि देखें अब ये लोग जो जिनका बिजनेस है ना वीवीआरओ का, वो ये काम कर रहे होते हैं कि वो मतलब एक बंदे को तो नहीं वीवीआरओ दे रहे होते ना, वो एक ही अकाउंट से दिन के मल्टीपल, शायद 10 बंदों यस को दे रहे हैं, 20 बंदों को दे रहे हैं, यस तो फाइवर पागल तो नहीं है कि भाई वो, फिर ऐसा हुआ है अभी पिछले दिनों इतने अकाउंट्स मतलब जो है ना वो सस्पेंड हुए थे, जितने लोगों ने ना मतलब एक बंदे से लिए हुए थे ना, तो जिस चीज को उसने ऑर्डर दिया उसने सबके उड़ा दिए थे, तो वो सबके फिर जाते हैं इसी तरह। केस इस तरह का अमेजोन रिव्यूज के ऊपर भी होता है। हम रिव्यूज नहीं लेके आ सकते अपनी मर्जी के। हाँ, अगर आपका ऐसे लोग रिव्यूज होते हैं, अमेजोन उनको डिटेक्ट कर लेता है, एक तो वो रिव्यू देने वाले की प्रोफाइल को भी ब्लॉक कर देते हैं और हमारे प्रोफाइल के ऊपर भी उसका इफेक्ट आता है अगर आप इस तरह से रिव्यूज लेके आ रहे हैं। तो ये हर सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो बड़े तरीके से, बड़े ट्रिकी वे के अंदर में इसमें आपने गेम करनी होती है अगर आप कर भी रहे हैं। हाँ, अगर आपके ऐसे रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं जो बाहर के मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, आप उनके थ्रू ऑर्डर ले लें कि आप जी मैं आपको ये काम इतने में कर देता हूँ, या आप ऑर्डर प्लेस कर दें। क्या आईपी बाहर की होगी, बाहर के मुल्क के होंगे, वो इतना डिटेक्ट नहीं होते क्योंकि आपके अपने रिलेटिव्स हैं, शायद वो बाकी लोगों के प्लेटफॉर्म पे वो सर्विसेज नहीं दे रहे। तो ये एक सेफर साइड है, आप सेफ गेम खेलें, ठीक है। जो बिल्कुल कंपनी वीवीआरओ प्रोवाइड करती है उनको रुजू करने के बजाय अपने इर्द गिर्द के जो सराउंडिंग्स है, अगर आप अपने रिव्यूज अरेंज कर सकते हैं तो आप कर लें स्टार्ट लेने के लिए। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताइएगा कि पोर्टफोलियो जो हम बनाते हैं फाइवर के ऊपर, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितना उसके अंदर कौन से की पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे हम रैंक भी कर सकते हैं? अच्छा, पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें ना, तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले आपके गिग इमेजेस आ जाते हैं। देखें क्योंकि डायरेक्ट को कोई ऐसा सेक्शन है नहीं, मतलब जो ही आप स्टार्ट करते हैं सेलिंग करना के, जहाँ पे आप अपने मतलब जो है ना सैंपल्स अपलोड कर सके, जैसे अपवर पे होता है, अपवर पे तो आप जाते हैं साथ ही जो है ना अपने सैंपल्स अपलोड कर सकते हैं, लेकिन फाइवर पे ऐसा नहीं होता, फाइवर पे ये होता है या तो आपके जो गिग इमेजेस हैं उनके थ्रू आप कर सकते हैं, फिर आप साथ PDF अटैच कर सकते हैं या फिर अपनी गिग वीडियो जो है बना के वो अटैच कर सकते हैं। तो पहले तो ये है कि आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, मतलब आपकी थंबनेल जो है वो काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि देखिए फर्स्ट इंप्रेशन तो आपकी थंबनेल का ही होता है, तो वो अगर अट्रैक्टिव होगी आपकी, टाइटल एंड जी थंबनेल ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल, है। और अगर आपकी जो वीडियो आपने अटैच की है वो भी अच्छी है। दूसरा ये होता है कि 3 इमेजेस अलाउड होते हैं और 2 PDF अलाउड होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उन सारों को फिल करें, मतलब 3 जो है ना वो आप इमेजेस बना लें और जो 2 PDF है उनको भी इमेजेस ही बनाएं, लेकिन उनको आप कन्वर्ट कर लें PDF के अंदर, तो ताकि बायर को आपको ना ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो आपके सैंपल्स नजर आए, ताकि वो कन्वर्ट हो सके, वो ये ना समझे कि ये कोई न्यू सेलर है तो उसके पास सैंपल्स नहीं पड़े हुए। तो अब सबसे पहले आपके सैंपल्स ही होते हैं या आपकी पोर्टफोलियो ही होती है जो आपको मतलब ऑर्डर विन करवाती है। सही, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपने सिनारियों से या सोशल नेटवर्किंग से क्लाइंट लेके जाते हैं या बायर लेके जाते हैं फाइवर पे, तो उसको वो अप्रिशिएट करता है। और अगर हमारे पास ऑलरेडी लकीली क्लाइंट्स आ गए हैं या बायर्स आ गए हैं हमारे गिग के ऊपर या हमारे अकाउंट के ऊपर, क्या हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कि ये फाइवर पे पे करेंगे, फाइवर अपना कमीशन काटेगा, तो उनको हम ऑफ द प्लेटफॉर्म लेके जा सकते हैं? इसका क्या नुकसान अच्छा, है? इसके अंदर यह है कि पहले तो टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप देखी जाए तो उसमें तो फाइवर कहता है कि आप जो ना अगर जो क्लाइंट है उसको बाहर ना लेके जाए, तो इसमें ना आपको बहुत मतलब जो ना एक्सपीरियंस आपको मतलब जरूरत पड़ता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्लाइंट है ये किस नेचर का है, मतलब ये क्लाइंट जो है ना वो अच्छी नेचर का है या क्लाइंट किस नेचर का है, उसके साथ आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने चाहिए। मैं जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ मैंने पहला प्रोजेक्ट किया तो मैं कभी भी नहीं करूंगा कि मैं उसको बाहर लेके जाऊँ, अगर मैंने उसके साथ 5 प्रोजेक्ट किए हैं, 10 प्रोजेक्ट किए हैं और मुझे पता चल गया मेरी उसके साथ अभी बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, तो मैं फिर ये करूंगा कि जाहिर सी बात है आपके पास आजकल सोशल मीडिया के लिंक्स आ जाते हैं, आपके पास कंपनी का नाम आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो आप
स्लोली स्लोली जो है ना उनको वो करें, जो है ना चेज करें, उनके सोशल मीडिया पे चले जाएं, वहां पे उनसे बात करें, एकदम जो है ना आप मतलब उनको बाहर ना देखें। तो वहां पे आप बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद अपने मुंह से बोल देता है कि क्या मैं आपको डायरेक्टली जो ना यहाँ पे आपके साथ काम कर लूँ। तो उसमें आपको ये फायदा होता है कि कल अगर फॉर एग्जाम्पल आपके और क्लाइंट के दरमियान कोई लड़ाई होती है या कोई क्लैश होता है, तो वो फाइवर पे जाके दोबारा जो है ना वो आपके खिलाफ रिपोर्ट कर सकता है कि भाई ये इस तरह एक बंदा ही मेरे साथ, इसने बाहर जाके जो ना काम किया है। तब भी ये हो सकता है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक हो जाए, लेकिन जब आपने खुद बात इनिशिएट नहीं की होगी तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, वो तो यही होगा कि उसने खुद आपसे बात इनिशिएट की थी। तो ये थोड़ा टेक्निकली चलना पड़ता है, लेकिन ये है कि कुछ केसेस में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, मतलब जो मैंने सेलर्स के साथ बाहर आके काम किया, और कुछ केसेस में बड़ा बुरा भी रहा है, क्योंकि जब जो बायर्स होते हैं वो भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो वो भी काफी ना मतलब उनके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो भी काफी उस चीज को देखते हैं, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो वो भी थोड़े से मतलब जो है ना हमारी तरह रूल्स को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं, थोड़े से प्रोफेशनलिज्म उनके अंदर भी कम हो जाता है, ये भी मैंने ऑब्जर्व। ठीक है, अब हमने सेशन को भी वाइंड अप करने, तो टू क्विक्स क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि आजकल 2023 के अंदर कौन सी ऐसी स्किल सीखी जाए जिससे आप जो है वो रातों रात अमीर हो सकते हैं। आई एम जस्ट जोकिंग, ऐसी कोई स्किल नहीं है जिससे आप रातों रात अमीर हो सकते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। रिकमेंडेड स्किल क्या है? अच्छा, रिकमेंडेड स्किल्स जिस तरह आजकल AI काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो मैं खुद भी पर्सनली भी अपनी फील्ड के अंदर भी जिस तरह मार्केटिंग है या वीडियोस हैं या फिर ग्राफिक्स है, तो इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इवन वेबसाइट डेवलपमेंट जो है ना उसके अंदर कर रहा हूँ, इवन कंटेंट राइटिंग के अंदर कर रहा हूँ। तो यही है कि आप लोग कोशिश करें कि इस तरह की स्किल सीखें, उसका यह है कि आपको आगे आने वाले दौर में इसकी डिमांड ज़्यादा होने वाली है, मतलब इस तरह के कीवर्ड्स फाइवर पे हो गया, अपवर्क पे होगा, कहीं पर भी आप जाएंगे आपको इस तरह की जो जॉब्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कोई एक मतलब एरिया पकड़ लें, चाहे अगर आप मतलब वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है या एनिमेशन से रिलेटेड है, कोई वेबसाइट पकड़ लें या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ लें, क्योंकि AI से रिलेटेड बहुत बहुत सारी न्यू वेबसाइट्स अभी जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो गई और बहुत अच्छे अमेजिंग रिजल्ट दे रही है। इसी तरह आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड अभी समेट जर्नी होगी, ChatGPT हो गया, कंटेंट राइटिंग के लिए हो गया, SEO के लिए इवन जो है ना आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई जो है ना आप टूल देख लें जिसके ऊपर आप थोड़ी सी अपनी जो है ना वो एक्सपर्टीज बना लें, यानी और इवन फाइवर पे अगर आप आपके नया, पास कोई ऐसी पेरेंट स्किल होनी चाहिए जिसके साथ आप अपडेट करते रहें अपने आप को, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, जैसे जैसे AI इंप्रूव होता जा रहा है, वैसे वैसे आपको भी इंप्रूव होना है, वरना आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे अगर आप पीछे चलेंगे और मार्केट में जो चीजें खत्म होती जा रही हैं उन्हीं चीजों पर आप चल रहे हैं, तो वो अब नहीं है। अपने आप को अपडेट रखें, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है R&D, रिसर्च करते रहें क्या चल रहा है, कैसे अपने आप को अपडेट करना है। अच्छा, एक और मेरा सवाल था आपसे कि एक ऐसा फॉर्मूला बता दें कि क्लाइंट को हम किस बेसिस पे चार्ज करें, क्या प्राइसिंग उससे चार्ज करें। इसका फॉर्मूला जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड और अपनी स्किल से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, और सेकेंडली आप थोड़े से ना प्रोएक्टिव हो, मतलब आप रेगुलरली अपनी जो आपकी गिग्स हैं और जो सर्विस है उसको जाके देख रहे हो कि उसके जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब उनकी प्राइसिंग क्या चल रही है और वो किस तरह जो ना क्लाइंट को चार्ज कर रहे हैं, फिर उसकी बेस के ऊपर जो है ना आप कोशिश करें कि हमेशा बहुत कम चार्ज ना करें। जब मैंने पहले भी बोला कि उससे मार्केट थोड़ी सी खराब होती है, दूसरे साल आप अगर थोड़ी सी लालच करेंगे आज के भाई मैं $5 के अंदर ये काम करके देता हूँ, कल एक टाइम आएगा कि आप भी इस चीज को रिग्रेट करेंगे, आप कहेंगे नहीं $5 तो जो है ना मतलब इससे तो कुछ भी नहीं होता, और ये मैंने गलत किया कि मैंने $5 से जो है ना वो मतलब सर्विस दिया है। तो अभी से कोशिश करें कि एक ऐसा जो है ना मतलब स्मूथ जो है ना पेमेंट जो है ना वो रखें कि जिससे जो है ना मार्केट भी खराब ना हो और आपकी भी जो है ना जो गिग्स हैं वो उनके ऊपर भी सेल्स आती रहे, आपके भी गिग्स रैंक रहे, क्योंकि बहुत कम कम अगर आप करेंगे तो आप फंस जाएंगे, मतलब अगर मंथ के आप $5 के 20 ऑर्डर या 30 ऑर्डर कर रहे हैं तो एक टाइम आएगा आप थक जाएंगे, आप कहेंगे कि मंथ में 5 ऑर्डर आ जाए लेकिन उतना रेवेन्यू हो जाए जितना मुझे 30 ऑर्डर से आता है। तो इसलिए ऐसा आप फार्मूला बना लें कि क्लाइंट्स कम हो लेकिन प्रोफेशनल हो, जो आपको कम तंग करें, क्योंकि हमने डार्क साइड ऑफ फ्रीलांसिंग या डार्क साइड ऑफ फाइवर जो है ना वो डिस्कस नहीं की, उसमें यही होता है कि अगर आप नहीं अपने नहीं मैं आप को इसी बहुत जगह पे ज्यादा आने ओवर, लगी। हाँ, जरूर, आप इसकी डार्क साइड और ब्राइट साइड हमें दोनों बताएं, पता होना हाँ चाहिए एक प्लेटफॉर्म तो किस तरह अगर काम करता है। अगर आप उसमें अपने आप को ओवर बर्डनाइज कर लेंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि आपका माइंड आपको कहेगा कि नहीं, आप मतलब फिजिकली भी मेंटली भी जो है ना इल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट के 2-3 साल जो है ना मतलब जब मैं यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ तो मैंने इसको फुल टाइम मतलब जो है ना फ्रीलांसिंग में कर रहा था, तो तब ये था कि मैंने यही रूट रखा हुआ था कि ज्यादा मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ज्यादा हैं, अगर कम वाला भी आ रहा है $5 में आ रहा है, 10 में आ रहा है, मैं ले लेता था। लेकिन उससे क्या हुआ कि मैं दिन पूरा पूरा जो है ना वो
काम ही करता रहता था, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता था। फिर उसका मुझे ये नुकसान हुआ कि मैं फिजिकली और हेल्थ वाइज मुझे प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, और काफी चीजें हैं जो मैंने जो है ना उसके लिए सेक्रीफाइस किया। तो फिर आस्ता आस्ता मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा कि आपने हर चीज को मैनेज करना है, बैलेंस करना है। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल मंथ में है, तो मंथ में आप कम प्रोजेक्ट्स कर लें, लेकिन उतने कर लें कि जिससे आपकी अर्निंग जो है ना उतनी हो जाए, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलें, अब आप अपना एक छोटा सा मैसेज जो आप सबको देना चाह रहे हैं वो दीजिएगा, और फिर हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, मेरा मैसेज ये है कि जिस तरह के आजकल आप अपने मुल्क के हालात भी देख रहे हैं, इवन दुनिया के हालात देख रहे हैं कि काफी ज्यादा जो है ना वो महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन कुछ जो है ना चेंजिंग्स भी आ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हमारे मुल्क में थोड़ा सा जो है ना टेक्नोलॉजी की तरफ और स्किल्स की तरफ रुझान कम है। तो जो न्यू आने वाली जनरेशन है, कि उनको चाहिए, खास करके पेरेंट्स जो हैं वो अपने जो ना बच्चों को सपोर्ट करें, उनको थोड़ा सा बैकअप करें, उनको इस तरफ लेके आए। अगर लोग बच्चों को ट्यूशन मतलब जो है ना, आप पता है जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको ट्यूशन जो है जाके जो ना ऐड करते हैं, तो आप कोशिश करें कि साथ उनको कोई स्किल भी सिखाएं। और इसी तरह जो बच्चे हैं जो खुद मतलब अभी इतनी समझ रखते हैं, तो वो भी अभी से कोई ना कोई स्किल के ऊपर वर्क करना शुरू हो जाए, पढ़ाई भी अपने साथ रखें। लेकिन एक अपने साथ अभी से एक अपना शौक होता है, आपको अगर वीडियो बनाते हुए शौक मतलब आपका शौक है, आपको अच्छा मजा आता है, तो आप उस स्किल को अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आपको कंटेंट राइटिंग में मजा आता है, तो आप उस स्किल को पकड़ लें। क्योंकि देखिए, आने वाले दौर में कोई पता नहीं है कि कब आपके ऊपर बुरा वक्त आ जाए, और कब ऐसा हो कि आपके पेरेंट्स जो है ना बहुत ज्यादा बर्डनाइज हो जाए। क्योंकि आजकल हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि पेरेंट्स बेचारे अकेले ही मेहनत करते हैं, तो उनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि हम खुद जो है ना अपनी कोई ना कोई स्किल डेवलप करें, और साथ साथ कोशिश करें कि एटलीस्ट अपना जो है ना एक्सपेंसेस, चाहे वो स्टडीज के हैं या अपने एक्सपेंसेस हैं, वो साथ साथ निकालना शुरू करें। और साथ साथ जब हम ग्रो करेंगे, तो हम देखेंगे कि फिर हम काफी जो है ना वो बड़ी बड़ी चीजें जो है वो अचीव कर लेंगे, और हमारे मुल्क को अल्टीमेटली उसका काफी फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी को काफी ज्यादा फायदा होगा, और फिर जो है ना हम अपने पेरेंट्स के लिए भी प्राउड मतलब बन सकते हैं, और उनको भी काफी सपोर्ट दे सकते मिल सकती है। और मैं इसमें मजीद ऐड ऑन करना चाहूंगी अपना मैसेज, वो ये है कि हम बहुत ज्यादा टाइम गुजारते हैं अपना सोशल मीडिया पे, और उसमें हम एंटरटेनमेंट को फोकस करते हैं, ना कि हम अपनी, अगर कोई स्किल से रिलेटेड बात कर रहे हैं या कोई अच्छी बात बता रहे हैं, कोई आपको मोटिवेशन मिल रही है, उस पे लोग कम जो हैं वो अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। अब आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आप फ्री बेसिक नॉलेज लेने के बाद आपको लगता है कि स्किल आपके लिए अच्छी है, उसको अपग्रेड और अपस्किल करना चाहते हैं, तो फिर आप पेड कोर्सेज की तरफ जाएं, क्योंकि अभी ये एक अलग चैप्टर है कि पेड कोर्सेज ठीक हैं या आपकी फ्री कोर्सेज ठीक है। उस पर हम एक नया सेशन करेंगे, तो शायद मैं घंटा भी बोलते रहूं तो वो काम है। तो उसमें यह है कि अपनी जो टाइम है ना उसको वैल्यू दें, क्योंकि टाइम इज योर मनी। ठीक है, अगर आप अपना टाइम गलत कामों में, एंटरटेनमेंट में, ठीक है एंटरटेनमेंट इज द पार्ट ऑफ अ लाइफ, 5 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आप दिन का दे दें उसको, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे कि आपने बिल्कुल टिकटॉक बंद ही कर देना है। टिकटॉक से भी आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, काम की एक रास्ता मिलता है, आगे रास्ते पे खुद चलना हमारा काम होता है, हमें कोई उंगली पकड़ कर चलाना नहीं सिखाएगा। सेल्फ लर्निंग करें, बढ़ें आगे, कुछ अच्छा करने की ठान लें, और अपने आप को चैलेंजेस दें, अपने आप को आप कहें कि भाई मैंने इस लेवल पर लेके आना है, अपने आप को टारगेट्स दें, उसको उन गोल्स को अचीव करें, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, और साथ साथ पैसा भी। और पैसा किसको बुरा लगता है आता हुआ, लेकिन वो मेहनत से आता है। शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट्स कुछ भी नहीं है। कम टाइम में जो आप पैसा बनाते हैं ना, वो जिस तरह जितने कम टाइम में बनता है ना, उतने कम टाइम में निकल भी जाता है, आपका कुछ भी नहीं बनेगा। हलाल रिस्क कमाने में टाइम लगता है, हलाल रिस्क खर्च करेंगे ना उसमें बरकत डली रहेगी, आपके पैसे आपके बहुत सारे काम आएंगे। तो ये चीज है कि हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट को देख के चलें, शॉर्टकट्स ना यूज करें और सेल्फ लर्निंग पे फोकस करें। थैंक यू सो मच वकास फॉर योर टाइम, और बहुत मजा आया, और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मुझे खुद भी पता लगी हैं, जो कि मैं आगे भी बताऊंगी, और फिर क्रेडिट दिया करूंगी कि ये वकास से सीखी थी मैंने। और अगर इसके अलावा हमारी ऑडियंस का कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा, वो आपको इनबॉक्स भी कर सकते हैं, बिकॉज आपकी मैंने प्रोफाइल टैग कर दी हुई है रिलेटेड टू फाइवर। सो थैंक यू वंस अगेन, इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे, और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। आपने जो है ना मुझे कंसिडर किया कि मैं अपने जो है ना वो व्यूज हैं वो शेयर कर सकूं। तो कहा यह कि अगर जैसे आपने कहा कोई भी मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, या कोई भी मतलब क्वेरी होती है, तो आप मुझे डायरेक्टली इनबॉक्स कर सकते हैं, या इवन मेरा जो ना यूट्यूब पे चैनल है, उस पर मैं थोड़ा वीडियोज वगैरह इन्हीं टॉपिक पे बनाता रहता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मेरी लर्निंग है, तो विकू ग्राफिक्स के नाम से है, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं, उस पर भी आपको काफी जो है ना वो
फायदा मिला है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में और कोशिश करूंगा कि जो वीडियो कंटेंट है, क्योंकि मेरा अब थोड़ा सा गोल यही है कि मैं इन टॉपिक्स पे जितने भी आज हमने डिस्कस किए हैं इन पे वीडियोस बना दूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी कंट्रीब्यूशन हो सकती है जो हम कर सकते हैं, और हम बस इतना ही कर सकते हैं। आगे खुद हिम्मत करना इन बच्चों का काम है, या जो सीखना चाह रहे हैं उनका काम है। चलें, थैंक यू सो मच वंस अगेन आप सबका, जो हमें सुनते रहे एट द एंड, चलते रहे स्टार्ट में, और 1 घंटा 5 मिनट हो गए, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट एपिसोड अभी तक जितनी हुई है, उसमें सबसे ज्यादा ये वाली लंबी है। तो थैंक यू वंस अगेन एवरीवन, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब व कामरान करे। और अगली एपिसोड में कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।